मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। हैशटैग मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि इसका सीधा असर अब सामान्य जनजीवन पर साफ तौर से दिखाई देने लगा है। महज 2.2 करोड़ की आबादी वाले इस देश में महंगाई ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। हालात ये हैं कि आटा, चावल, ब्रेड, दूध और अंडे जैसी चीजों के लिए भी लोगों को 5 से 6 गुना तक ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। श्रीलंका वही देश है जो चीन की सरपरस्ती में भारत को आंखें दिखाया करता था। ये वही देश है जिसने हम्बनटोटा में चीन के साथ करार करते हुए भारत की सुरक्षा के लिए संकट खड़े कर दिए थे। लेकिन वही श्रीलंका जब आर्थिक मार झेल रहा है तो मदद के लिए नेबर्स फर्स्ट की नीति पर बढ़ते हुए भारत ने एक अच्छे दोस्त होने का कर्तव्य निभाया और सबसे पहले श्रीलंका की ओर मदद के लिए हाथ बढ़ाए। गौरतलब है कि पड़ोसी देश श्रीलंका में विदेशी विनिमय संकट के कारण ईंधन, रसोई गैस के साथ साथ और भी दूसरी कई तरह की चीजों के आयात पर असर पड़ा है। ऐसे में श्रीलंका ने भारत से भी मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद भारत ने श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए $1 अरब का कर्ज दिया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों एक ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि संकट की इस घड़ी में भारत पड़ोसी प्रथम नीति पर चलेगा और श्रीलंका के साथ हम हमेशा खड़े हैं। श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए $1 अरब की कर्ज की सुविधा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका में कोरोना संकट के बाद भी हालात सुधर नहीं पाए हैं। बंद का असर वहां के उद्योग धंधों पर ऐसा पड़ा कि पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। श्रीलंका में बिगड़े हालात के बीच कई जगहों से छिटपुट हिंसा की भी खबरें आई हैं। ऐसे में हालात शांत बनाए रखने के लिए जगह जगह सेना के जवानों की तैनाती की गई है। श्रीलंका अपनी अधिकतर जरूरत की चीजें बाहर से आयात करता है, लेकिन कोरोना काल में इसकी अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट पहुंची कि ये उससे उबर नहीं पाया और धीरे धीरे यहां विदेशी विनिमय का संकट खड़ा हो गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि देश में आवश्यक चीजों की आपूर्ति धीरे धीरे इतनी घट गई कि आज इस तरह के गंभीर हालात खड़े हो गए। श्रीलंका पर इस वक्त $32 अरब से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे में श्रीलंकन सरकार को जल्द कोई बड़ा फैसला लेना होगा। उसके सामने मोटे मोटे तौर पर अब 2 तरह के विकल्प ही बचे हैं। उसमें से पहला ये है कि वो इस संकट की घड़ी में देशवासियों से धैर्य रखते हुए इसे एक कष्ट समझकर काट लेने को कहे और इस बीच अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए लगातार प्रयास तेज करते रहे। और दूसरा विकल्प उसके सामने ये है कि वो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और कर्ज मांगकर खुद पर बोझ बढ़ा ले। इससे फौरी तौर पर वहां कुछ हालात तो सुधरेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था की दुर्दशा के बीच ये समाधान लंबे समय तक सहायक नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।